गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड चैप्टर थर्ड पार्ट वन चैप्टर थर्ड नेम इज इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम यूनिट यानी सिस्टम यूनिट के इंटरनल पार्ट्स के बारे में इसमें बताया जाएगा इस चैप्टर में आपको लेट्स स्टार्ट रियल चिल्ड्रेन इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट डिफरेंट हार्डवेयर यूजड इन कंप्यूटर यानी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हार्डवेयर को जो कंप्यूटर के में यूज़ किए जाते हैं वन आफ देम वॉज सिस्टम यूनिट उसमें सिस्टम यूनिट भी था सिस्टम यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर कंप्यूटर दे आर सम कंपोनेट्स लोकेटेड इन साइड सिस्टम यूनिट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैम दिस कंपोनेंट्स मेक्स द कंप्यूटर वर्केबल यानी इंट, इंटरनल पार्ट्स के बारे में बता रहा है आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है सिस्टम यूनिट तो उसी के बारे में ये थोड़ा डिटेल में पढ़ाएगा देखिए सिस्टम यूनिट चिल्ड्रेन यू कैन सी अ बॉक्स लाइक केस स्टैंडिंग बिसाइड द मोनिटर आर केप्ड अंडर द मोनिटर इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट ये देखिए ये क्या आपका सिस्टम यूनिट है द सिस्टम यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम the different components located inside the it can be protected from damage through this unit it can uh, it is also known as base unit इसको system unit बोलते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं base unit के नाम से जानते हैं components inside the system unit जेने system unit की में components कौन कौन सोते हैं सिस्टम यूनिट के यूज किया सारे कंपोनेंट्स को कवर किए हुए थे यानी डस्ट वगैरह है जैसे कि बाहर से कुछ इफेक्टिव चीज़ें हैं तो उसको कंट्रोल करेगा द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मोस्ट ऑफ़ द स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर रिसाइड इनसाइड द सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड सी पी यू मेमोरी यूनिट हार्ड डिस्क ड्राइव सी डी रोम ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आर द कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट यानी ये सारे क्या है सिस्टम यूनिट के इनसाइड के कंपोनेंट्स हैं कंपोनेंट्स इनसाइड सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट को बॉक्स हटा के ऊपर से कवर ओपन करके दिखा रहा है देखिए ऐसा दिखता है वो नेक्स्ट पेज है फर्स्ट एप का मदर बोर्ड देखिए मदर बोर्ड द मदर बोर्ड द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर इट इज अ लार्ज बोर्ड इनसाइड अ सिस्टम यूनिट इट द कनेक्टर फॉर अटैचिंग एडिशनल बोर्ड्स मदर बोर्ड इज समथिंग एब्रीवेटेड एज मोबो यानी मदर बोर्ड को कभी कभी हम किस नाम से जानते हैं मदर बोर्ड को मोबो के नाम से जानते हैं और मदर बोर्ड जो है वो क्या है एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सारे वायर क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इट कैन आल्सो भी कार्ड द बैक बोन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मदर बोर्ड को और किस नाम से जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम का बैक बोन मदरबोर्ड बोर्ड कॉन्टेंट्स द चिप्स लाइक सी पी यू मेमोरी मास स्टोरेज पोर्ट्स एंड एक्सपेंस एक्सपेंसन स्लॉट्स यानी जो मदरबोर्ड है वो सारा चीज़ें स्टोर करके रखता है कौन कौन सी चीज मेमोरी मास स्टोरेज पोर्ट्स एंड एक्सपेंसन स्लॉट्स कलेक्टिवली आल दिस चिप्स दैट रिसाइड ऑन द मदरबोर्ड आर नोन एज द चिप सेट यानी जो सारा सेट होता है चिप का उसको क्या कहते हैं चिप सेट कहते हैं नेक्स्ट देखिए डू यू नो मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड प्रोस्यूड प्रोड्यूस टूडे द डिजाइनर डिजाइन फॉर आईबीएम बी कंप्यूटर्स यानी ये जो ये सब डिजाइन किए जाते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं आईबीएम के साथ आईबीएम मींस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नो दिस टू इसे भी आपको जानना जरूरी देखिए लैपटॉप कंप्यूटर्स जनरली यूज्ड हाईली इंटीग्रेटेड एंड मिनि टेटर्ड मदरबोर्ड एंड दैट इज वाई दे आर डिफिकल्ट टू अपग्रेड द एक्सपेंसिव टू रिपेयर आपका जो लैपटॉप है आपने लैपटॉप भी देखा होगा तो कंप्यूटर के लिए आपको अदर, अलग से सिस्टम यूनिट की आवश्यकता होगी मदरबोर्ड चाहिए कीबोर्ड चाहिए माउस चाहिए बट लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है लेकिन लैपटॉप का जो है वो क्या है सारा कुछ उसी में होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये देखिए मदरबोर्ड बना हुआ है नेक्स्ट है आपका सीपीयू द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर अलाइक योर ब्रेन सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे किसको ब्रेन बोलते हैं सीपीयू को इट इज द मोस्ट कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यानी सी को किसका प्रोसेसर कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर का इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में किसका काम करता है एक ब्रिज का काम करता है द सी पी प्रोसेस डेटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट डिस्प्लेस डेटा ऑन द स्क्रीन यानी जो सी है डेटा को प्रोसेस करता है प्रोसेस के बाद उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है सी पी यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ़ द कंप्यूटर सिस्टम जो सी पी यू है वो कंप्यूटर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डू यू नो द स्पीड ऑफ़ द सी पी यू इज़ मेजर्ड इन मेगा हट्स यानी जो सी पी यू की स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है मेगा हर्ट्स में एंड गीगा हट्स द स्पीड ऑफ मदर कंप्यूटर ऑपरेशन इज अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द सी पी यू जैसा कंप्यूटर ऑपरेशन का स्पीड होता है उसी के अकॉर्डिंग सी पी यू की स्पीड होती है देखिए फंक्शंस ऑफ सी पी यू द मेन फंक्शन ऑफ सी पी यू इज परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा यानी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना इसका वर्क है सी पी यू इज़ यूज टू कंट्रोल द फंक्शंस परफॉर्म बाई द अदर कंपोनेंट सी पी यू जो है वो यूज किया जाता है किस लिए कंट्रोल द फंक्शंस फंक्शंस को कंट्रोल करता है परफॉर्म बाई अदर कंपोनेंट्स अदर कंपोनेंट्स के द्वारा किए गए फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट ऑफ़ द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द सी परफॉर्म एनी टास्क पार्ट्स ऑफ सी देर आर थ्री कम्पोनेट्स ऑफ सी पी यू देट वर्कस टूगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन देखिए सी पी यू के पार्ट्स क्या क्या हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये मेमोरी बीच में है पहले हम इन इन करते हैं फिर मेमोरी में जाता है मेमोरी से फिर आउटपुट होता है और मेमोरी में ही क्या होता है स्टोर भी होता है पहला है कंट्रोल यूनिट दूसरा है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तीसरा है मेमोरी यूनिट देखिए दिया पहला कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स अटैच टू द कंप्यूटर इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू प्राइमरी मेमोरी देन प्राइमरी मेमोरी टू ए एल यू आफ्टर दैट ए एल यू टू अगेन इन प्राइमरी मेमोरी एंड फाइनली फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस एंड बता रहा है कि डेटा कैसे कैसे प्रोसेस होता है पहले डेटा कहाँ जाता है प्राइमरी मेमोरी में फिर प्राइमरी मेमोरी से ए में जाता है फिर ए से फिर प्राइमरी मेमोरी में आता है फिर प्राइमरी मेमोरी से आउटपुट में मिलता है नेक्स्ट देखिए आरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंपेरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंडॉर्म आर परफॉर्म बाई द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक कैलकुलेशन जितने भी हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन आर लाइक एडिशन सब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कम्पेरिजन ऑपरेशन इंक्लूड्स कंपेयरिंग डेटा लाइक लेस देन और ग्रेटर देन देन एंड स्मॉलर बिगर देन इक्वल टू आर लेस देन एक्सेक्ट्रा ये सारे चीज किसके द्वारा की जाती है ए एल यू के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं ओके आपका ये थर्ड था, चैप्टर थर्ड का पार्ट वन है पार्ट टू नेक्स्ट टर्न में मैं सेंड करूँगी ओके थैंक यू